भाई बहुत डर लग रहा होगा कि भाई कैसे करें, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, कैसे पढ़ाई करें, बोर्ड से आ रहे हैं, बहुत प्रेशर है, कैसे इस चीज़ को एकदम हैंडल करें, बहुत ज़्यादा टेंशन। हे सॉरी वन, हे गौरव सिंह, आप सबका स्वागत है, आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। सो ये जैसे कि आप बताएं कि आप तब आ चुके हैं नाइन्थ में, ओ सॉरी, आप लोग आ चुके हैं टेंथ में। और उससे पहले बता दूँ आपने, ठीक है, मेरा जो एडुकेटिश का स्निपेट्स मैंने लॉन्च किया है स्पॉटिफाई पे, एंकर पे, गूगल पॉडकास्ट पे और रेडियो पब्लिक पे है, ठीक है। तो ये चार प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, बाकी पे अभी आना बाकी है, ठीक है। वो जब आएगा तो मैं लिंक आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अभी आपको इन चार की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ऑडियो फॉर्म में सारे आपको मिलते हैं लेक्चर्स, ठीक है, सारे लेक्चर्स आपको। मैंने अभी तक हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स डाली हैं, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डेट डाली है और बाकी एक मोटिवेशनल वीडियो डाली है। नो आ गए ना 9th से 10th में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो आज वीडियो में जैसे कि आपको बताया कि आज हम क्या बताने वाले, कौन कौन सी चीज़ें आपको टेंथ में आपको माइंड में रखनी है, ठीक है, और कैसे आपको बोर्ड्स में 90-95% फोड़ना है, ठीक है। हाँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको बता दूँ, ठीक है, ये नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो लाइक करो, ठीक है, उससे पहले आप इस चैनल की हिस्ट्री जानिए, ठीक है। पहले आपको बता दूँ ये चैनल उन लोगों के लिए है जो क्लास टेंथ में है, जो क्लास 9th से 10th में आए हैं और अब 11th में जाने वाले हैं, ठीक है, उन सब के लिए एक चैनल है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आपको सारी क्लास टेंथ के लेक्चर्स मोटिवेशन वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तब आप लोग का मन है, अब आप लोग तो समझदार हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग तो सब्सक्राइब करेंगे और भाई लाइक भी कर देना, क्या जाता है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखो, आप लोग आ गए हैं 10th क्लास में, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, आपको 4 पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में। हाँ तो भाई, ठीक है, तो फाइनली अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग आ चुके हैं 10th में, ठीक है। तो चलो पहली चीज़ हो गई, ठीक है, पहली चीज़ दिमाग में रख लो कि 10th जो है 9th से इजी है। जी हाँ गाइस, 10th जो है 9th से इजी है, ठीक है। क्यों इजी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए 8th तक जो आपने पढ़ा वो तो पढ़ा, लेकिन 9th में आके आपके जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि साइंस है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। साइंस आपको डिवाइड हो जाता है सब्जेक्ट्स में, कितने, 3 सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। वहाँ पर होता है कि वहाँ पे एकदम वाइड वैरायटीज़ हो जाती है कि अरे ये सब तो एकदम से आ गया, चेंज हो गया। 8th से 9th में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले आपने फिजिक्स केमिस्ट्री सब आप एक में पढ़ते थे, लेकिन आप डिवाइड हो गए, ठीक है। डिवाइड हो गया तो किसी ने सोच समझ के क्या होगा कि इनमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको डिवाइड किया, नहीं तो फिर 9th में भी सेम रखते, ठीक है। अब देखो वही चीज़ें उसी का बेसिक का थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो 10th में पढ़े हैं वही 9th में भी आपने पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ें आपकी 9th से ही हैं। अगर आपकी 9th स्ट्रांग है तो आप 10th में 90-95% आप बोर्ड में फोड़ के आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। हाँ तो ये दिमाग में रख लो अच्छी तरीके से कि ना ऐसा नहीं है कि आपका 10th जो है वो 9th से बहुत हार्डर होता है या इस समय बोर्ड्स हैं तो कैसे प्रिपेयर करें, अरे भाई बहुत डर लग रहा है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करने का, ठीक है। आपके लिए सारे लेक्चर्स मैंने लाए हैं, ठीक है, सारे लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको सारी मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस की मिल जाएंगी आपको सारे सब्जेक्ट की, वन शॉट वीडियोस मैंने बनाई है, कोई भी पार्ट्स मैंने बनाई है, ठीक है, वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएंगी। और जैसे कि आपको टाटा पिछले साल हम लोग का जो बैच था उसमें हम लोग का सिलेबस रिड्यूस हुआ था, लेकिन इस समय अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हम अभी आपका जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो आप देखते रहिए और हम उस पर भी वीडियोज़ लाएंगे, क्योंकि इस साल तो आपका रिड्यूस होने नहीं वाला, ठीक है, अगर होता है, ठीक है, तो उस पर देखेंगे। अगर वही सब्जेक्ट हटते हैं तब तो आपको लेक्चर्स मेरे चैनल पे सारे मिल ही जाएंगे, ठीक है, और अगर रिड्यूस नहीं होता है तो जो बचे हैं चैप्टर्स उनका मैं लेक्चर्स लाऊंगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ मेन है, ठीक है, तो ये मत मानिए कि आपका 10th जो है बहुत हार्ड होता है 9th से, ठीक है, 9th जबकि थोड़ा हार्ड होता है 10th से, क्योंकि वहाँ पे एकदम वैराइटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, वैराइटीज़ हो जाती है, इसलिए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन वही चीज़ आपको 10th में पढ़नी है, उसी से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको 9th की ही होती हैं 10th में, ठीक है। तो अगर आपको 9th में अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आप 10th में 90-95% बोर्ड में फोड़ के आओगे, ठीक है, ये पहली बात आपको क्लियर होगी, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो कहता है कि आखिर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है, व्हाट हाउ टू स्टडी इन क्लास 10, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग से कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि हम 90-95% बोर्ड में फोड़ के आए। तो देखो भाई, आपको 2 घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे डेली स्टार्टिंग से, आज ही से, अगर आप देखते हैं आज मेरी वीडियो देखा आपने आज ही से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हाँ, आपको एक एक वन शॉट की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। आप आज से अगर 2-2 घंटा भी पढ़ते हैं तो आप 95% से ज़्यादा बोर्ड में फोड़ के ला सकते हैं, ठीक है। कोई सिलेबस एकदम साइंस एकदम रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है, हाँ। तो आप एक एक घंटा भी अगर 2-2 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप
अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आपको रोज़ दो दो घंटे का पढ़ना है और आपका अच्छे तरीके से रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपकी जो मैं स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजीज आप कैसे बनानी है, तीसरा पॉइंट ये आता है, ठीक है, कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखो, टेंथ में पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना आपको है अच्छी तरीके से, लेकिन वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एकदम हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि हाँ, इस समय में इतने समय मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो मुझे करना है, आपका गोल हो जाए, ठीक है। और बाकी टाइम टेबल, अगर टाइम टेबल की बात करें, ठीक है, तो टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो टाइम टेबल के ऊपर मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। उससे पहले शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे ही अभी बता देता हूँ कि टाइम टेबल देखो, कभी भी भाई डेली हमेशा का पहले से पूरा टोटल एक महीने का या एक हफ्ते का पूरा एक साथ नहीं बना लेना, ठीक है। ये टाइम टेबल मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपसे दो दिन फॉलो होगा, तीन दिन फॉलो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। रोज़ मैं जो करता हूँ, मैं हमेशा डेली टास्क बनाता हूँ, ठीक है। डेली टास्क, एक आज जैसे सुबह उठा, एक टाइम टेबल बनाया कि आज मुझे ये करना है, ठीक है, मैंने वो किया और फिर बंद कर दिया, रात में टिक मार्क कर लिया और अपना काम हो गया। दूसरे दिन उठा, फिर से टाइम टेबल किया, तो वो सही रहता है। अब पता चले आपने पहले से बना लिया, ठीक है, एक टाइम टेबल बनाया और आपकी दोस्त की पार्टी पड़ गई, ठीक है, आपके दोस्त की पार्टी पड़ गई, आपको कहीं से जाना पड़ा अर्जेंट में, ठीक है, तो आपका टाइम टेबल तो गया। अब आप प्रेशर हो जाएंगे, अब आपको एकदम डर लगेगा, क्या भैया अब क्या करें, आज का तो छूट गया, कल भी करना हो, कल वाला तो कल करना ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप सुबह उठिए, रोज़ एक डेली टास्क बनाइए, उसके हिसाब से देखिए क्या होंगे, हाँ कि मुझे कहीं जाना तो नहीं है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर जाना भी है तो उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाए। कहीं अगर शाम को जाना है तो आप सुबह जल्दी उठ के अपना टाइम टेबल बना लीजिए और अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको सुबह जाना है तो आप अपना सुबह उठिए, टाइम टेबल बनाइए और फिर चलिए जाइए, फिर शाम को आइए, शाम को जब तक आएंगे तो आप कर लीजिएगा देर रात तक, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, बाकी इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो में लाऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी या क्या टाइम टेबल आपका होना चाहिए टेंथ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको तीन पॉइंट अभी बताया, ठीक है, क्या बताया हमने, कि पहला कि नाइन्थ इज़ हार्डर देन टेंथ, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि नाइन्थ जो है वो एक थोड़ा हार्डर है टेंथ से एज कम्पेयर टू टेंथ, ठीक है, क्योंकि टेंथ में जो नाइन्थ की बेसिक चीज़ें उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ा के बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है, मैंने बताया कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, मैंने आपको बताया अगर आप आज से करते हैं तो आप अगर दो दो घंटा भी पढ़ते हैं तो भी ठीक है, और दो घंटा ये बट हाँ एक पॉइंट और है कि अगर आप उन सब्जेक्ट को पहले पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट है आप दो दो घंटा आज से पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट आपका एक घंटा या डेढ़ घंटा आप उसे पढ़ लीजिए, ठीक है, एक डेढ़ घंटा आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आधा घंटा जो है जो आपको नहीं पसंद है उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको साइंस पता है, साइंस में फिजिक्स पसंद है, ठीक है, तो आपने फिजिक्स पढ़ा डेढ़ घंटा, आपको केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो आपने आधा घंटा केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स आपको पसंद है इसलिए आपने डेढ़ घंटा पढ़ा तो उसे आपने कवर कर लिया, ठीक है, वो जल्दी उसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपने कवर कर लिया जल्दी जल्दी, वो आपका खत्म होगा। फिर आपको आखिरी में, फिर आपको जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाए तो आपको डेढ़ घंटा क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना, फिर आधे घंटा आपको फिजिक्स पढ़ना, क्योंकि वो तो आती है, ठीक है। कहते क्या है, जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए जिससे कि वो भी स्ट्रांग हो, और जो आपकी स्ट्रांग है उसे आप भी करते रहिए कि वो भी और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या है, देखिए स्कोरिंग हर सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट से आप ना टॉप कर सकते हैं ना एक सब्जेक्ट से आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, ठीक है, हिंदी, सोशल, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदी और आईटी तो वो तो ऐसे ही सब्जेक्ट है, वो आखिरी में करते करते फिर वो हो ही जाता है, रह ही जाता है, कर नहीं पाते, ठीक है। तो कभी भी किसी सब्जेक्ट को ढीले मत, सबको एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, ठीक है, और इक्वल तरीके से सबको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये मैंने तीन चीज़ आपको बताई कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना है, और क्या टेंथ ईजी है नाइन्थ से या टेंथ टफ है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारा जो आता है फोर्थ पॉइंट, हाँ तो देखिए इसके बाद आपका पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, डू नॉट प्रेशराइज अबाउट दी बोर्ड्स, ठीक है। बोर्ड्स का टेंशन नहीं लेना है कि इस साल हम बोर्ड्स दे दें, अब तो हमें 12-12 घंटे पढ़ना है, 12-12 8-10 घंटे पढ़ना है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर आज से, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको आज से ही दो दो घंटे आप पढ़ते हैं तब भी आप बोर्ड्स में 95% से ज़्यादा फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी मत करिएगा कि आपका टेंथ बहुत ही ज़्यादा टफ है या मुझे बोर्ड्स आ रहे तो इसमें मुझे 12-12 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस ये है कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करिए, नहीं कि उसको छोड़ ही दीजिए कि वो स्ट्रांग है, चलो उसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी है, जो वीक है उसको ज़्यादा पढ़ना है, जो स्ट्रांग है उसे भी पढ़ना है, लेकिन उसे थोड़ा कम करना है। जैसे कि उसे आपने एक घंटा पढ़ा तो वीक जो वीक सब्जेक्ट है उसे आपने दो घंटा पढ़ा, ठीक है। तो आपको दिन में दो से तीन घंटा अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमने आपको चार पॉइंट्स बताए, ये सब चीज़ें आपको नाइन्थ टेंथ में आके नहीं करनी है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो भी अगर आपको और भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अब बहुत ढेर सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है। कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या टाइम टेबल है, कि कैसे हम अच्छे 90% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और बाकी बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको क्लास 10 से रिलेटेड, क्लास 9 से रिलेटेड, ठीक है, और क्लास 11 से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है। तो चलो बस आज की वीडियो में इतना ही, टॉपिक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय, जय हो, पढ़ लो पढ़ लो, फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो।